और इधर पेरिस ओलंपिक्स में भारत का लिए 12वां दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज एक तरफ जहां भारत की गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के फाइनल में मुकाबला खेलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ निगाहें हॉकी टीम पर भी रहेंगी, क्योंकि हॉकी टीम कांस्य पदक पर अपना दावा पेश करने के लिए स्पेन से मुकाबला करने वाली है। तो आज ये 12वां दिन बेहद खास रहने वाला है और ये देखना होगा कि एक तरफ नीरज चोपड़ा जिन्होंने अपने पहले ही थ्रो में फाइनल में जगह बना ली और दूसरी तरफ हॉकी में कांस्य पदक के लिए भिड़ंत होगी भारत की हॉकी टीम और दूसरी तरफ होगी स्पेन की हॉकी टीम। तो ये दोनों ही खेल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज जहां 5:30 बजे हॉकी टीम का मुकाबला होगा, तो वहीं नीरज चोपड़ा का मुकाबला होगा फाइनल के लिए आज रात को। तो ये देखिए, ये पल बेहद खास रहने वाला है। हालांकि बुधवार को भारत को एक बड़ा हार्ड ब्रेक जरूर मिला, लेकिन आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जहां गोल्ड मेडल जीता था, और एक बार फिर से उन पर निगाहें पूरे देश की टिकी हुई हैं कि हमारे गोल्डन बॉय इस बार क्या कमाल करके दिखाते हैं, और भारत की हॉकी टीम जिसने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था, तो क्या एक बार फिर से कांस्य पदक जीत कर आती है। और इस बीच एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें, विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। एक्सपर्ट मिनट पर उन्होंने एक पोस्ट किया और उन्होंने अपनी मां को संबोधित करते हुए उस पोस्ट में लिखा, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। ये कहा है विनेश फोगाट ने। आपको बता दें, विनेश फोगाट ने 5:17 पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा और लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2021-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। ये पोस्ट एक्स पर थोड़ी देर पहले विनेश फोगाट की तरफ से कल डिस्क्वालीफाई हो गई थी, 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा आया था, और उसके बाद से अब ये परिस्थिति आप देख रहे हैं कि वो इतनी आहत है कि उन्होंने सीधे सीधे एक्स पर पोस्ट कर ये कह दिया है कि अब वो कुश्ती नहीं खेलना चाहती हैं। उन्होंने अपनी मां को संबोधित किया और ये ट्वीट किया, हालांकि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश फोगाट से बात की और उन्होंने उसके बाद पोस्ट किया कि विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं, हर भारतीय के लिए प्रेरणा है, आज की हार दुख देती है, काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो अनुभव मैं कर रहा हूं। तो ये ट्वीट किया गया है विनेश फोगाट की तरफ से, आपको बता दें। हालांकि अब उन्होंने आगे भी अपील की है, मेडल की अपील की है, उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट से मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। हालांकि ये भी जानकारी मिली कि पहले वो फाइनल भी खेलना चाहती थी, इस तरह की अपील उनकी तरफ से मांग की गई थी अपील के रूप में, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस अपील को बदल दिया और अब वो ये चाहती हैं कि संयुक्त रूप से उनको सिल्वर मेडल कम से कम दिया जाए। हिमाचल के श्रीखंड के पास बादल फटने से आई बाढ़ में 45 लोग बह गए, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। यूपी के सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट लगने से युवक की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में टाटा मैजिक और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई, हादसे में करीब 10 लोग हुए जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में धमाके से मचा हड़कंप, जहां हादसे में 5 बच्चे झुलसे। उधर बिहार के कैमूर में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग कराने का इन पर आरोप है। यूपी के बलिया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कराई मुनादी, 3 आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, गैंग ऑन डिमांड, बच्चे की चोरी करते थे, एक बच्चे को करीब 4 लाख रुपए में बेचा करते थे। यूपी के गोंडा में जिला अस्पताल में मरीज की डॉक्टर और स्टाफ ने पिटाई कर दी, लोहे के रॉड डंडों से पिटा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के दिए आदेश।
राजस्थान के भीलवाड़ा में हॉस्पिटल के पालन गृह में मिला नवजात का शव, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिक्षकों की लापरवाही आई सामने, स्कूल में बंद मासूम को परिजनों ने छुड़ा लिया। यूपी के संभल में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, आत्महत्या से पहले हाथ पर लिखा सुसाइड नोट। मन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर पंकज यादव का मथुरा में हुआ एनकाउंटर, पंकज यादव पर दर्ज थे 36 मामले। शुक्रिया अंजलि। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो अब आगे नहीं खेलेंगी। तो चूक गई विनेश, साथ खड़ा है पूरा देश। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये ऐलान किया और ये कहा कि वो अब आगे नहीं खेलना चाहती हैं। आपका सपना, ये देखिए, ये एक्सपर्ट जो उन्होंने पोस्ट किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा, कुश्ती मेरी जीत में मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, ज्यादा ताकत अब नहीं रही है। ये विनेश फोगाट का ट्वीट, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब आगे नहीं खेलेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है विनेश फोगाट के आगे, उसके उस बीच पूरा देश उनके साथ लगातार खड़ा हुआ, लेकिन उनका जो सपना था वो टूट गया। और ऐसा लगता है कि काफी आहत हुई है विनेश फोगाट, और उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो आगे नहीं खेलेंगी। तो विनेश फोगाट का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें विनेश फोगाट ने कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही है। तो ये उन्होंने अपने परिवार को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान किया। तो सोशल मीडिया पर संन्यास का ऐलान किया है और कुश्ती मुझसे जीत गई है, ये कहना है विनेश का, विनेश की माँ का। लेकिन अब देखे, विनेश ने एक तरफ सोशल मीडिया पर ये ऐलान कर दिया है कि वो संन्यास लेने वाली है, लेकिन उनकी हिम्मत टूट गई, वो ये कह रही है। लेकिन उन्होंने हिम्मत, ऐसा लग रहा है कि अभी हारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीएस में अपनी अपील भी दायर की है, क्योंकि विनेश फोगाट का हौसला हर कोई बढ़ा रहा है, जिस तरह से उन्होंने अभी तक मेहनत की है, यहां तक पहुंची है, फाइनल तक पहुंची, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण वो अयोग्य घोषित हो जाती हैं। लेकिन अब वो अपनी मां से कह रही हैं कि मेरी हिम्मत अब टूट चुकी है और आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, ये वो लोगों से कह रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले रही हूं। तो ये उनका ये ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट के बाद से हर कोई हैरान है, क्योंकि अभी तक विनेश फोगाट ने हिम्मत नहीं हारी थी और आखिर समय तक ये देखा गया कि वो यहाँ लड़ती रही, एक बड़ी जंग लड़ के यहाँ तक पहुंची। उनको अपने आप को साबित करना था, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को साबित करना था, हर एक कोशिश उन्होंने करके दिखाई। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अब देखा गया कि मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा पाया गया। तो ये सोशल मीडिया पर ट्वीट विनेश फोगाट का हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो तस्वीर आपके सामने, जहां पर उनको एडमिट कराया गया था अस्पताल में, और अब उन्होंने अपनी मां को संबोधित किया है। असल में उनकी मां का एक बड़ा सपना था कि वो ओलंपिक्स में मेडल लेकर लौटें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि जिसके बाद विनेश फोगाट, उनका परिवार, न सिर्फ उनका परिवार, उनकी मां विनेश फोगाट, बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है। हाँ, जरूर वो एक मेडल से चूक गई, लेकिन वो परिस्थितियों की वजह से, उनकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रही। और विनेश फोगाट का क्योंकि सपना टूटा है, तो वो अपनी माँ को संबोधित करते हुए ये ट्वीट भी कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। मतलब वो एक तरह से बहुत निराश नजर आ रही है इस ट्वीट में, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत अब टूट गई है, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही है, अलविदा कुश्ती। और उन्होंने उस साल का जिक्र भी किया जो उनका सफर रहा है। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ये ट्वीट विनेश फोगाट ने किया है, जिसको देखकर जाहिर सी बात है हर कोई इसको देखकर निराश होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि विनेश फोगाट अपने सफर को आगे भी जारी रखती, लेकिन मेडल क्योंकि वो नहीं ले पाई, और जो सपना था उनका, उनकी माँ का, उनके परिवार का, वो सपना जब टूट गया, तो अब काफी निराश और आहत विनेश फोगाट लग रही हैं। और उनकी तरफ से सोशल मीडिया के जरिए यह ऐलान किया गया कि वो अब आगे कुश्ती नहीं खेलना चाहती।